बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक बनाएंगे, जो आसानी से बन जाता है और इसे हम बिना ओवन या एग के बनाएंगे। आइए फटाफट इसी रेसिपी को बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए पहले हम चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून डार्क कंपाउंड चॉकलेट और 2 टेबलस्पून मिल्क ले लिया है। अब इसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए रख देंगे। 30 सेकेंड के लिए मैंने टाइम सेट कर लिया है। ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये चॉकलेटी सिरप बनके हमारा तैयार है। अब हम केक के मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसे आटे से डस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से डस्ट हो चुका है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आज हम गेहूं के आटे से ही चॉकलेट केक तैयार करने वाले हैं। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब इन सब को हम अच्छे से छान लेंगे। ध्यान रहे इसमें एक भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से छान लें। अब हम दूसरे बोल में अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1/4 कप ऑयल और 1/2 कप चीनी पाउडर ले लेंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। इस केक को हम पतीले में बनाने वाले हैं, इसलिए हम एक पतीला ले लेंगे और इसे गैस पे चढ़ा देते हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसमें मैं एक स्टैंड रख देती हूँ और इसे गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। अब ये अच्छे से बीट हो चुका है। ऑयल और शुगर पाउडर का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालते हुए धीरे धीरे डालकर दूध की मदद से उसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि दूध रूम टेम्परेचर पे ही आप लें। सारे इंग्रेडिएंट्स को डालते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर अभी भी थिक है, पर मैंने जो चॉकलेट सिरप बनाकर रखा हुआ है, मैं उसे अब इसमें ऐड कर देती हूँ, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये कितना चॉकलेटी बनके तैयार हुआ है। लास्ट में हम इसमें 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। हमारा पतीला भी गर्म हो चुका है। अपने केक मोल्ड को हम केयरफुली इसमें डाल देंगे और 30 से 35 मिनट तक इसे बेक होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार और चेक कर लें। ये केक हमारा फूल रहा है। अब इसे वापस से बेक होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। हमारा टूथपिक पूरी तरह से क्लीन होकर निकला है, इसका मतलब हमारा केक
केक होकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं निकाल कर दिखाती हूँ। थोड़ा इसे टैप करें, ये कितना ईजिली निकल गया है। मैंने किसी भी बटर पेपर का भी यूज़ नहीं किया था। ये मात्र 100 ग्राम आटे से बना हुआ केक है। देखिए ये कितना फूला है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। ये केक जितना ही स्पॉन्जी उतना ही मॉइस्ट बना है। अगर आपको भी ऐसा डिलीशियस केक खाना है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।